अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया मेरा और ये नाश्ते का टाइम है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और एक साइड पे मैंने ब्रेड टोस्ट कर लिया है और दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ एग फ्राइड बना रही हूँ। और ये नाश्ता जो है ये मैंने अपने लिए बनाया था, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने पहले से ही नाश्ता उनका बना लिया था। और यहाँ पर नाश्ते फ्री होने के बाद मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और जी हम लोग आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान जा रहे हैं, तो जाने से पहले मुझे थोड़ी सी मुझे ग्रोसरी की ज़रूरत पड़ी है और ये थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ मैंने ले ली थी कि जो मतलब कि जाने से पहले ही मेरी यूज़ हो जाएं। तो बस इनको सबको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और करने के बाद इसको मैं कट कर लूँगी और इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो बस सब्ज़ियों का ये होता है कि अगर आप इसको एक दो दिन के अंदर इनको ना देखें तो ये जो हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ मैं लेकर आई थी बैंगन भी लेकर आई थी और वो भी थोड़े थोड़े से ना ख़राब होने शुरू हो गए थे। उनको मैंने जल्दी से ना कट करके उनको मैंने बना लिया था। और ये साथ में भिंडियाँ इनको मैं काट के ना फ्रीज़ कर लूँगी तो ये बहुत अच्छी रह जाती हैं। बाहर तो अगर आप इनको वैसे एक दो दिन के लिए छोड़ दें तो ये सारी सब्जी ख़राब हो जाती है, सारी सब्ज़ी। इनको कट करके तो फिर इनको मैं जिप लॉक बैग में रख लूँगी और जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो बस निकालेंगे और इसको फिर बना लेंगे। कैप्सिकम मैं लेकर आई थी, इसको मैं ऑमलेट के लिए लेकर आई थी और इसको मैंने ऑमलेट के लिए इसको मैंने यूज़ करना है। और बस इसको भी मैं कट करके तो इसको जिप लॉक बैग में रख लूँगी और जब मुझे ऑमलेट वगैरह बनाना होगा तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी। और धनिया साथ में लेकर आई थी और साथ इसके है थोड़ा सा पुदीना और इसको भी मैं इसी तरह करती हूँ, धनिया पुदीने की चटनी बनाकर इसको मैं रख लेती हूँ फ्रीज़र में तो वो बहुत ही इजी हो जाता है। दो तीन मैं बंच ले आती हूँ तो उनको कट करके वॉश करके फिर मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ तो वो बहुत ही मेरा एक तो वीक तो बहुत ही ईजीली गुजर जाता है। और यहाँ पर ये मैं लेकर आई थी ऑरेंज लेकर आई थी। किचन का थोड़ा सा काम समेटने के बाद मैंने अपने लिए बना ली थी ये मज़ेदार सी कॉफ़ी और बस इस कॉफ़ी को मैं एंजॉय करूँगी। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और यहाँ पर सुबह नाश्ते में मैं बना रही हूँ, सबसे पहले चाय मैंने बनाई थी अपने लिए। और नाश्ता मैं करूँ ना करूँ चाय मेरी मस्ट होती है, चाय मैंने ज़रूर पीनी होती है। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ बस मैं हल्का फुल्का सा जो है वो कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लूँगी। और जी ये लंच का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर देगी बिरयानी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया हाफ कप और इसमें 2 मैंने लार्ज साइज़ के अनियन डालकर इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया है और ये खड़े मसाले हैं ये सारे इसमें चले जाएंगे। और चिकन जो है इसको मैंने डाल लिया है और 5 से 7 मिनट के लिए चिकन जो है इसमें इसको कुक कर लेंगे और चिकन का प्यारा सा कलर गोल्डन सा आ जाए तो फिर इसमें मैं बिरयानी मसाले का पैकेट डाल दूँगी। और साथ इसमें मैंने डाल दिया था 2 टेबलस्पून नमक और हाफ कप यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया था योगर्ट का। और टमाटर नहीं इसमें मैंने डालने हैं, बस इसमें मैं योगर्ट ही डालूँगी और मसाले को हम दोबारा अच्छे से भून लेंगे।
और इसमें मैंने 2 से 3 आलू वो भी डाल लिए हैं काट कर। और अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी और पानी का वेट कर लेंगे ताकि ये बॉयल हो जाए, तो फिर इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। और अब इसमें इस पोजीशन में नमक चेक कर लें। नमक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम ही डालूं, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसका आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर कम है तो फिर आप उसको डाल सकते हैं। तो बस चावलों को यहाँ पर मैं अब 5 से 7 मिनट इसको मैंने दम पर लगाया। और ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी देगी बिरयानी, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहें तो दम के टाइम इस पर आप थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें नहीं डाला था। तो यहाँ पर ये मैं बैंगन लेकर आई थी सब्जियों के साथ, तो एक बैंगन जो है वो मैंने कहा चलो मैं इसके पकोड़े बना ले, तो मेरा बेटा जो है वो इन चीज़ों का बहुत ही माशाल्लाह से शौकीन है, तो वो शौक से इस तरह की चीज़ें खा लेता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैंगन धोकर काट लिया था और उस पर मैंने नमक हल्दी और रेड चिली पाउडर लगा कर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब बेसन में मैंने इसमें डाल दिया था नमक मिर्च और यही बेसिक स्पाइसेस डाल दिए थे, और इसको बेसन के साथ मैंने कोट कर लिया है और इसको अब फिर हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार से बैंगन के पकोड़े बने हैं, इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। सो जी यहाँ पर मैं अपने बेटे की कटिंग करवा रही हूँ इब्राहिम की। मैंने कहा है कि मैं खुद इसकी जाऊँगी कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि इसका हेयर कट जो है वो मैंने थोड़ा सा चेंज करना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जा रहे हैं वेकेशंस पे, चल रही हैं तैयारियाँ, और इंशाल्लाह से सारी चीज़ें हो जाएं बस हैर हैरियत से। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको लाइक शेयर करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।